लद्दाख की गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले भारत और चीनी सीमा पर सेना की खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं चीन के 50 जवानों को भारतीय सेना ने मार गिराया था। इस झड़प के बाद से ही भारत में चीनी सामान का विरोध होने लगा था और ऐसी मांग की जाने लगी कि चाइनीज ऐप को बैन कर दिया जाए। वहीं आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब भारत में 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। ये 59 ऐप हैं टिकटॉक, शेयर एट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बायडू मैप, शाइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीओ बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैन मेकअप, माई कम्युनिटी, CM ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉक, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल, शायोमी, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वाइवा वीडियो, QU वीडियो इंक, मई टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीयू रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैश क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हैगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीटा मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बैडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई, मोबाइल लेजेंड्स और डीओ प्राइवेसी। आज आधी रात से ये ऐप भारत में बैन हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब आप इन 59 ऐप्स को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। भारत सरकार ने इन सभी ऐप्स को प्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरा ग्रहण पूर्ण बताते हुए इन सभी ऐप्स को बैन किया है। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल बात आज की को करें सब्सक्राइब, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।